2.6 लीटर का जो डीजल इंजन है जी वैगन वाला, ये आपको एमपी के सारे फॉरेस्ट में ये व्हीकल देखने मिल जाएगा। तो अपनी सीट से 1, 2, 3 पीछे, 2 यहाँ बीच में। स्पेशल थैंक्स टू अग्रवाल मोटर्स जो कि फोर्स की डीलरशिप है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर फोर्स का चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी डिटेल देख सकते हैं एंड शोरूम को कॉन्टेक्ट करके विजिट कर सकते हैं। गाइस वेलकम टू द चैनल, आज है हमारे पास फोर्स का फॉरेस्ट एडिशन। तो ये आपको एमपी के सारे फॉरेस्ट में ये व्हीकल देखने मिल जाएगा। तो अगर आपने पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क देखा है रिसेंटली तो आपको ये गाड़ी ज़रूर वहाँ देखने मिलेगी। स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से। सबसे पहले मैं आपको उसका इंजन दिखाता हूँ। इसका इंजन वही है मर्सिडीज़ का जो मर्सिडीज़ जी वैगन में आता था 70s 80s में। 2.6 लीटर का जो डीजल इंजन है जी वैगन वाला, वही इंजन है ये। बट इसको BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ इसको कंप्लाइंट किया गया है जो कि 89 BHP और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसको मैं स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है इस इंजन की। ओके, कुछ ऐसी चीज़ की आवाज़। बाकी यहाँ पे आपको वो कूलेंट के लिए, बैटरी के लिए, ये सारी बेसिक चीज़ें मिल जाती है। बोनट बंद करके आप यहाँ देखेंगे क्योंकि ये फॉरेस्ट एडिशन है तो इसमें आपको ये जो लोहे की ग्रिल्स हैं ये आपको सामने से लेके साइड में, रियर में, पूरे में आपको एज अ प्रोटेक्टर दी गई है तो कि जानवरों से बचाने के लिए होती है और गाड़ी में डैमेज ना आए जंगल में चलते टाइम। तो ये काफ़ी सेफ्टी किट की तरह काम करती है। हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट में आपको एक सिंगल बल्ब हाई लो बीम में जो यूज़ होता है एंड पार्किंग लैम्प, और उसके बाद आपको यहाँ इंडिकेटर मिलता है। सेंटर पे आपको यहाँ फोर्स की बैजिंग मिल जाएगी, नीचे फोर्स का लोगो, मैट फिनिश में इसकी ग्रिल दी गई है। राइट साइड में भी आपका वही सेटअप है एंड नीचे फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते हैं इस मॉडल में। उसके बाद हम इसके लेफ्ट सेक्शन पर मूव करेंगे, आपको फेंडर पर यहाँ वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको टायर सेक्शन की प्रोफाइल 215/75R15। तो इसमें साइड वॉल ज़्यादा है जो कि फॉरेस्ट में जैसे कि रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ होती है, काफ़ी पैचेस ख़राब होते हैं, तो ये साइड वॉल ज़्यादा होने से टायर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और रिम भी डैमेज नहीं होता है। नीचे क्लियरेंस की बात करें तो फॉरेस्ट के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस दिया गया है। 210mm का इसमें क्लियरेंस दिया गया है। ऊपर इसके फेंडर पर आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। मिरर आपको इसमें पूरे ही मैनुअली एडजस्टेबल हैं, अंदर से आपको कोई कंट्रोल नहीं है तो आपको इसको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल इसके कुछ स्पेशल रहते हैं, बाकी सारी गाड़ियों में आपको इसे खींचना पड़ता है। इसमें यहाँ पे अंदर ही लीवर दिया गया है, जैसे ही आप लीवर प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा और बंद तो आपका नॉर्मली ही होगा। यहाँ पे आपको देसी स्टाइल में बिल्कुल फुटरेस्ट मिल जाते हैं प्रॉपर लोहे के, तो आपका ड्राइवर और पैसेंजर को चढ़ने उतारने में बहुत ईजी रहता है। यहाँ पे लेफ्ट डोर की बात करें तो ये नॉर्मल है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चीज़ देखने मिलेगी जो कि मैं उस तरफ से दिखाता हूँ, वो काफ़ी ओपन है तो उस तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये सही चीज़ है, जब आप शेर वगैरह देखने के लिए जाएंगे, टाइगर वगैरह पेंच में या कान्हा में, तो यहाँ से आपको जो प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी वो बहुत ही शानदार मिलने वाली है। तो इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे एंड आप यहाँ देख पाएंगे कितनी सीट्स हैं। 1, 2, 3 पीछे, 2 यहाँ बीच में, तो हो गए 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 9+1 गाड़ी है ये। एंड यहाँ पे आपको सीट के पीछे ये बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ 2 होल्डर है एक वहाँ, ऐसे ही आपको सारी सीट्स के पीछे बॉटल होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सीधा एक ग्रैब हैंडल, ये डोर ओपन के लिए और ये लॉक का बटन, तो इतना कुछ दिया गया है। बाकी पूरा ये ओपन गाड़ी रहती है, अभी ये पूरा खुला नहीं है, ये पूरा ओपन भी हो जाता है इसमें। तो जब आप फॉरेस्ट में इसकी राइड लेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। रियर सेक्शन में आपको वही क्रूज़र और तूफान वाला रियर प्रोफाइल मिलेगा, बट आपको यहाँ पे ग्लास और कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ये पूरा ऐसा कपड़ा मिलेगा विद स्टेपनी के साथ, सिमिलर सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका हो गया ब्रेक लाइट, ये पार्किंग लाइट, यहाँ पे आपका रिवर्स गियर और ये आपका हो गया इंडिकेटर। नीचे आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे जो कि रिफ्लेक्शन टेप के साथ मिलेंगे, तो नाइट में अगर कोई व्हीकल पीछे से आता है तो उसको प्रॉपर रिफ्लेक्शन मिलेगा इससे। यहाँ पे आपको फोर्स की बैजिंग मिलेगी और ये ट्रैक्स मॉडल को कन्वर्ट किया गया है तो उसमें ट्रैक्स की बैजिंग दी गई है। मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स पे। तो ये पहले दरवाज़ा ओपन करने के बाद दरवाजे पे सब बेसिक चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, ये लॉक अनलॉक, ये दरवाज़ा ओपन करने के लिए, यहाँ पे आपका क्लोज करने के लिए ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पे इसे मैनुअली विंडोज़ ओपन का मिलता है। ये आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा चढ़ने के लिए तो काफ़ी ईजी हो जाएगा गाड़ी में चढ़ना। ये देखिए मैं फुटरेस्ट की मदद से ईजिली चढ़ गया। यहाँ पर आपको सिंपल मीटर मिलने वाला है, मैं इसमें चाबी लगा के बताता हूँ। तो मीटर कुछ इसका ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको RPM के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आपको गाड़ी की बेसिक डिटेल मिल जाएगी देखने नीचे। एंड राइट साइड में आपके हेडलाइट कंट्रोल हो गए, यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल हो गए। इस गाड़ी में AC नहीं मिलता है, ऑब्वियसली आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ वैसे ही इतनी ठंडी हवा मिलने वाली है,
तो उसकी एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ आप चाहे तो प्लेयर अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं। ये आपको यूरिया की डिटेल देता है ये डिस्प्ले, कि यूरिया कितना बचा है, कब खत्म होने वाला है। तो ये DF की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट और ये चार्जिंग पोर्ट और कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक स्पेशल चीज़, ये जो गियर बॉक्स है ये भी मर्सिडीज से लिया है फोर्स ने, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको इंजन और गियर बॉक्स मर्सिडीज से मिला है, फोर्स ने लाइसेंस लिया है मर्सिडीज से, तो इंजन और गियर बॉक्स फोर्स यूज़ करती है मर्सिडीज के, जो कि जी वैगन में आता था किसी टाइम पे। अभी जो लेटेस्ट जी वैगन है उसमें ये इंजन नहीं है, बट पहले वाली जी वैगन में ये इंजन था। यहाँ पे आपको डुअल वाला ग्लव बॉक्स मिल जाता है, नीचे अलग स्पेस है, यहाँ पे ऊपर अलग स्पेस है, बट इसका जो ओपनर है वो एक ही दिया गया है। यहाँ पे फोर्स की बैजिंग मिल जाएगी, ये दरवाजे पे भी आपको सेम सेटअप मिल जाएगा। बस डिफरेंस एक ये है कि यहाँ पे आपको ये दो सीट मिल जाएगी, तो ड्राइवर प्लस टू सीटर है ये फ्रंट में भी। पीछे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये वैसी सेटअप मिलने वाला है इसमें। ऐसा था रिव्यू इस फॉरेस्ट एडिशन गाड़ी का। अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो इसमें 4x2 4x4 दोनों आता है। 4x2 आता है इसका 17,36,000 का ऑन रोड है जो, एंड 4x4 मिलेगा आपको 19,30,000 रुपये का। बाकी आप शोरूम विजिट करके, जो मैंने डिटेल्स दी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप शोरूम विजिट कर सकते हैं और काफ़ी डिस्काउंट यहाँ से अवेल कर सकते हैं। अग्रवाल मोटर्स को थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज कार्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।